नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करेंगे सेमीफाइनल नंबर 1 न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। देखो न्यूजीलैंड तो अपने बलबूते पे आई है सेमीफाइनल की पोजीशन पे, लेकिन पाकिस्तान अपनी किस्मतों पे आई है। दो में जीते हैं मानते हैं, लेकिन जो क्रूशियल था, मतलब कि जो नहीं होना चाहिए था, वो हो चुका है। कोई ना, अब अपन सेमीफाइनल को एंजॉय करेंगे और मेरा बेस्ट दूंगा कि आप अच्छे से ग्रैंड लीग को क्रैक करो या फिर मिनी ग्रैंड लीग को क्रैक करो। कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका हाई सिलेक्शन है, वो कल के मैच में फ्लॉप होने वाले हैं, हो भी सकते हैं, बहुत चांसेस हैं, 85% चांस है कि वो फ्लॉप हो जाएंगे। अपने वो यदि रिस्की प्लेयर फ्लॉप होते हैं तो अपनी ग्रैंड लीग विन करना बहुत ही ईजी होता है। ग्रैंड लीग में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि एक तो लो सिलेक्शन प्लेयर को पिक करना और वो ड्रीम टीम में आ जाए, और दूसरी बात एक हाई सिलेक्शन प्लेयर को ड्रॉप करो जो कि ड्रीम टीम में ना आए। हाई सिलेक्शन प्लेयर खेलते हैं, कम से कम 8-9 प्लेयर खेलते हैं, उनमें से सिर्फ 4 प्लेयर ड्रीम टीम में आते हैं। वो 4 प्लेयर कौन से आ सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हो, हम बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ इसी के आगाज़ में आप वीडियो को लाइक कर दो। और हम आते हैं अपने पे नोट्स पे आ गए, टीम जो है सॉफ्टवेयर का नाम है, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर नोट्स बनाते हैं और इसी के अंदर अपन प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अपन आ गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो प्रेडिक्शन है अपन उस पर जाएंगे। और नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, सिंपल सा है, नोट्स बना दिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उस ऑडियो में, लेकिन जो जो वीडियो सुन रहे हो ना, इस वीडियो की जो ऑडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के मैच के लिए। तो वीडियो को स्किप ना करें और ऑडियो को ध्यान से सुनो। जो मैं कह रहा हूँ ना उन शब्दों पर ज़्यादा फोकस ज़्यादा किया करो तो आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो। देखो सबसे पहले बात तो ये क्लियर कर देता हूँ कि है ना नवंबर के महीने में 4 मैच पाकिस्तान खेली है, किसके सामने, न्यूजीलैंड के सामने, और चारों चारों मैच आपकी पाकिस्तान जीती है। और सेमीफाइनल भी, मतलब सेमीफाइनल तो खेली है, लेकिन दूसरी बात जो ट्यूसडे के दिन मैच होने वाला है, आपको पता है ट्यूसडे नहीं सॉरी वेनेसडे, कल बुधवार है, वेनेसडे के दिन 4 मैच खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पाकिस्तान, वो भी चारों चारों मैच पाकिस्तान ही जीती है। अब देखो अपन यदि इन पे स्टेट्स पे जाए ना कि यार सारे सारे मैच पाकिस्तान जीती है तो कल का मैच तो न्यूजीलैंड हार जाएगी ना, नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला है। कल का मैच न्यूजीलैंड जीत सकती है, कैसे और क्या ये जरूर उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। मतलब कि कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हुआ था तो मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड को चेस पसंद नहीं है, वैसे ही अभी आज कहने वाला हूँ कि न्यूजीलैंड को चेस पसंद नहीं है। न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है और चेस में अच्छा करती है मानता हूँ, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा नहीं करती थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड ख़राब है भाई। 28 मैच में 17 मैच पाकिस्तान है, 11 मैच इसके न्यूजीलैंड के फेवर में है। लेकिन भाई ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और ये है ना इस बार वर्ल्ड कप ना तो दुबई में हो रहा है ना ही एशिया कंडीशन में हो रहा है, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में, जो कि सबसे बेस्ट कंडीशन होती है किसके लिए, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड प्लेयर के लिए। मतलब कि आउटर कंट्री जो भी होती है सबसे सपोर्ट किसको मिलता है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को, क्योंकि नेबर कंट्री है। तो उसके भी आपसे जाओ जो ये स्टेट्स हैं ना 11 में, मतलब कि 17 मैच पाकिस्तान 11 मैच न्यूजीलैंड, उनको भूल जाओ ये, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कल के मैच में क्या होने वाला है, ठीक है। ग्राउंड है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ये बैटिंग पैराडाइज पिच माना जाता था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ है, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है ना इजीली मतलब कि मैच को विन कर रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो बैटिंग फर्स्ट 80%, बैटिंग सेकंड 20% इसीलिए लिखा है, बस उस रिकॉर्ड को देखते ही यहाँ पे लिखा है। और मैंने ना बिग बैश लीग का कई मैच देख के आया हूँ कि वहाँ पे क्या होता है कंडीशन, मतलब चीज़ों सुनने की कोशिश करो कि जो टीम पहले बैटिंग करती है ना उसका एक बैट्समैन, टॉप 4 में से एक बैट्समैन, 1 2 3 4 जितने भी है ना इन 4 में से एक बैट्समैन कैप्टन बनता है, और उसी टीम का एक अच्छा खासा स्पिनर जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है। एक टीम में 2 स्पिनर खेलते हैं और दो स्पिनर में से दूसरे स्पिनर का जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है वो अच्छा करता है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो स्पिनर है क्या वो दिक्कत करते हैं किसी बैट्समैन को जो ओपोनेंट में टीम है, मतलब कि न्यूजीलैंड है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के कौन से बॉलर दिक्कत करते हैं और न्यूजीलैंड में कौन से बॉलर दिक्कत कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ग्रैंड लीग के पर्पज़ के लिए। तो स्मॉल लीग के लिए तो सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन ग्रैंड लीग की वीडियो इसी चैनल पर मिलती है, अदर भी मिलती है नहीं मना करता, लेकिन जो मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन करता हूँ 80% अपने अच्छी जाती है प्रेडिक्शन, 20% ख़राब जाती है मैं खुद कहता हूँ, ठीक है ना। ग्रैंड लीग में प्रेडिक्शन करना बहुत हार्ड होता है भैया। विनिंग कार्ड भाई मैं तो न्यूजीलैंड को फेवर कर रहा हूँ, चाहे कुछ हो, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो,
लेकिन एज ए फैंटेसी प्लेयर मैं बता रहा हूँ, बैटिंग सेकंड और बैटिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। क्यों? क्योंकि जो टीम पहले बैटिंग फर्स्ट करेगी ना उसके ज़्यादा प्लेयर लेना, और जो टीम बैटिंग सेकंड करे ना उसके कम प्लेयर लेना। फैंटेसी से ले लो और अपने हिसाब से न्यूजीलैंड जीते ना अच्छी बात है, पाकिस्तान जीते या न्यूजीलैंड जीते कोई भी जीतो यार, जीतना तो भारत को ही है वर्ल्ड कप। मेरी तो आश यही है और मेरे हिसाब से सभी की यही आश है कि इंडिया वॉन दी वर्ल्ड कप भाई, क्रूशियल हो गया। हर्षदीप सिंह की बॉलिंग और कोहली की स्ट्राइक रेट भाई क्या चाहिए, कवर ड्राइव, बस दो बंदे जो गेम चेंजर कर सकते हैं, वो कल की बात है, आज की बात। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 देख लो आप, मेरी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सारे सारे प्लेयर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, न्यूजीलैंड में जो ना फ्लॉप होने वाले बैट्समैन कौन है, सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम ग्लेन फिलिप्स। कल के मैच में ये बंदे फ्लॉप हो सकते हैं, इस वेन्यू पे इस बंदे ने सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट श्रीलंका, और उसी मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट में ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट निकाले थे। तो आप एक टीम है ना, कैप्टन कर देना फिलिप्स को, वाइस कैप्टन कर देना ट्रेंट बोल्ट को, ठीक है, पहली बात तो ये समझ जाओ। और ना वो श्रीलंका वाला मैच चेक करो आप, कि जब ग्लेन फिलिप्स कैप्टन बने थे ना, उनका सिलेक्शन परसेंटेज देखो और वो कैप्टन परसेंटेज देख के आओ, उनका परसेंटेज सिलेक्शन था 34, पहली बात तो ये, और उनका कैप्टन सिलेक्शन परसेंटेज था सिर्फ 1 point something या फिर 2 point मान लो, है ना। लेकिन आज के मैच में सिलेक्शन परसेंटेज भाई दूसरी पोजीशन में, शादाब खान के बाद में हाई सिलेक्शन परसेंटेज आपकी ग्लेन फिलिप्स ही है। लेकिन मैं अभी और कह रहा हूँ कि आज के मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से आपके फिलिप्स फ्लॉप हो सकते हैं। और 4 नंबर पे आता है केन विलियमसन। केन विलियमसन को पाकिस्तान के विरुद्ध में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप विलियमसन के साथ में जा सकते हो। और डायल मिचेल भाई एक ऐसा बंदा है जो कि सेमीफाइनल और फाइनल के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि भाई मेजर ऑफ द रन आना इस बंदे का ना, मेजर मतलब कि क्या बताऊँ आपको, जो इंपॉर्टेंट मैच होता है ना, एकदम क्रूशियल मैच होता है, मतलब हार्ड कंडीशन होती है किसी टीम के लिए, तो वहाँ पे ये बंदा बहुत अच्छा करता है। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला है, राजस्थान रॉयल्स के लिए 2 मैच ऐसे खेले थे जिसमें ना राजस्थान का नोक मतलब कि यार मैच जीतना पॉसिबल ही नहीं था, इस बंदे ने स्कोर किया था। और लास्ट ईयर सेमीफाइनल में इसने 72 का स्कोर किया था, याद हुए तो, जिस उस समय ये ओपनिंग करता था, लेकिन इस समय ये 5 नंबर बैटिंग करेगा। लेकिन भाई पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, साइन अफरीदी फॉर्म में भी आ चुके हैं, हरीश रॉफ की गति भी अच्छी है, और मोहम्मद नवाज का ऑर्थोडॉक्स बॉलर है ना, मोहम्मद नवाज बहुत पुराना नाम है ना, और सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। और देखो मिचेल शेटनर, जिमी निसम, देखो जिमी निसम और ड्रायल मिचेल में से एक बंदा ग्रैंड लीग में आएगा, अब आप पे डिपेंड करता है किसको पिक कर रहे हो। यदि आप मेरी बात मानो तो आप डी मिचेल के साथ में जा सकते हो, नहीं तो फिर आप दोनों को ड्रॉप कर दो, जिमी निसम पे मैं इतना रिलाय नहीं करता। ट्रेंट बोल्ट की बात करें, इस वेन्यू रिकॉर्ड पे बात करें भाई, इस हेड टू हेड की बात करें ना, खराब रिकॉर्ड है, कितने 9 मैच में 5 विकेट है ट्रेंट बोल्ट के, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस वेन्यू पर 3 मैच में 8 विकेट है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, 8 में से 4 विकेट तो इसने श्रीलंका के विरुद्ध में निकाले थे। तो भाई श्रीलंका जैसी टीम और पाकिस्तान जैसी टीम थोड़ा लेवल है भाई पाकिस्तान का भी, ऐसा नहीं है क्रिकेट को छोड़ दो और लेवल पीछे है, लेकिन पाकिस्तान ना क्रिकेट लेवल अच्छा है। तो उसके भी आपसे कह रहा हूँ, ट्रेंट बोल्ट एक दूसरा प्लेयर जो कि कल के मैच में फ्लॉप हो सकते हैं। पहला प्लेयर कौन था? फिलिप्स, दूसरे ट्रेंट बोल्ट, मतलब उनको सीवीसी मत बनाओ। आप ग्रैंड लीग में पिक कर लो, ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन वो सीवीसी मत बनाओ, आपकी टीम खराब हो जाएगी भैया। लोकी फर्गुसन, गति है इस बंदे के पास में और कुछ नहीं है, लाइन और लेंथ भी अच्छी है, और पाकिस्तान को दिक्कत होती है राइट आर्म फास्ट से, मैं अभी बताऊंगा। इस सोडी भाई, अब देख इस सोडी की प्रेडिक्शन ना बहुत ही हार्ड हो गई है भाई, क्यों? उनका सिलेक्शन परसेंटेज मतलब 14% तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज है, और ड्रायल मिचेल का सिर्फ 10% सिलेक्शन है भाई। ये दोनों बंदे यदि ग्रैंड लीग में आते हैं ना, तो भाई ग्रैंड लीग आप जो कितने बंदों को पीछे छोड़ चुके होंगे, तो रिस्क लो ना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना हमेशा सीख जाया करो। पाकिस्तान की तरफ से देखो, यहाँ पे बाबर आजम, हारिस, सरदार, मसूद, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज। अब देखो मेरे हिसाब से कल के मैच में शादाब खान फ्लॉप हो सकते हैं भाई, बहुत बड़ी बात है, कल के मैच में शादाब खान फ्लॉप हो सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो अगेंस्ट न्यूजीलैंड की बात करें तो देखो 13 मैच में 11 विकेट है, खराब रिकॉर्ड है पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इस ग्राउंड पे इन्होंने 2 मैच खेले थे, 2 मैच में 0 विकेट है, तो भाई ना तो इनके साथ में हेड टू हेड रिकॉर्ड है, ना ही वेन्यू रिकॉर्ड है। मैं वेन्यू रिकॉर्ड को सबसे इंपॉर्टेंट देता हूँ, क्योंकि जो वेन्यू पे मैच खेला जाता है ना, जो इस वेन्यू की स्टडी कर लेता है ना, तो बंदा अच्छा करता है, जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर होता है। लेकिन जो इस वेन्यू पे अच्छा नहीं करता ना, उसके चांस कम होते हैं वेन्यू पे अच्छा करने की। और दूसरे हैं पाकिस्तान की तरफ से और कोई सा बोल रहे, साइन अफरीदी। भाई साइन अफरीदी है ना, हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड है ना ठीक ठाक है, मतलब 6 मैच में 8 विकेट है, मतलब कि 1 या 2 विकेट ले लेंगे, इनको सीवीसी में ट्राई करना ठीक है। और देखो गेम चेंजर बन सकते हैं आपके हरीश रॉफ, जो कि लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था, लेकिन आज के मैच में मतलब होने वाले कल के मैच में
गेम चेंजर बन सकते हैं। फिक्स प्लेयर की बात करें, देख लो टीम सऊदी और हरीश रूप, और टीम सऊदी के बारे में बताना बोल गया, टीम सऊदी का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो तो भाई 17 मैच में 28 विकेट, भाई क्या बंदा है ये, 17 मैच में 28 विकेट है और इस वेन्यू पे भी 2 मैच में 4 विकेट है, तो अच्छी बॉलिंग करने वाले हैं टीम सऊदी। और टीम सऊदी अगेंस्ट पाकिस्तान 5 विकेट निकाल चुके हैं जब इन्होंने पहली बॉलिंग की थी, तो यदि आप इनको कैप्टन कर रहे हो ना तो पहले इनिंग में आप इनको कैप्टन बना सकते हो, तो आपके लिए क्लियर कट हो गया। यदि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है, चाहे पाकिस्तान करो चाहे न्यूजीलैंड करो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आपके देखो कैप्टन, देख लो केन विलियमसन, टीम सऊदी, लॉकी फर्गुसन, सारे डिफरेंस चॉइस है। ना मैंने कोनवे को सेलेक्ट किया, ना मैंने ग्लेन फिलिप्स को। देखो ग्लेन फिलिप्स मेरा फेवरेट प्लेयर है न्यूजीलैंड में से, मेरे से पूछा जाएगा सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है तो ग्लेन फिलिप्स है, लेकिन फैंटेसी के अंदर फेवरेट नहीं माना जाता है। फैंटेसी के अंदर कैलकुलेटिव रिस्क और लॉजिक माना जाता है, यदि आपका वो कैलकुलेटिव रिस्क और लॉजिक एक्यूरेट है तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। और पाकिस्तान की तरफ से भाई सारे रिस्क है, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद वसीम, हरीश रूप। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो पावर प्ले में विकेट गिरते हैं सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में, तो आप है ना रिसेंट में सिडनी में जितने मैच हुए ना आप वहाँ पे चेक कर लो खुद, वहाँ पे ओपनर है ना फ्लॉप होते हैं, पावर प्ले में विकेट गिरते हैं, तो अपन ओपनर को कैप्टन करके अपने अपन रिस्क क्यों लेते हैं। आप 3 और 4 नंबर के साथ में जाओ ना जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। पाकिस्तान के पास शान मसूद है जो कि अच्छा बैट्समैन है, अच्छा खेल सकता है। अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनका रिकॉर्ड ख़राब है, लेकिन 3 मैच में रिकॉर्ड निकालना बहुत ही ख़राब चीज़ मानता हूँ मैं। कम से कम 10 मैच प्लेयर खेलता है ना कोई सी टीम के अगेंस्ट में, तब मैं कहता हूँ कि हाँ वो रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन हेड टू हेड से रिकॉर्ड से इंपॉर्टेंट है वेन्यू रिकॉर्ड। शान मसूद ने वेन्यू पर अच्छा नहीं किया, एक ही तो मैच खेला है भाई, क्या वेन्यू रिकॉर्ड है। इफ्तिकार ने यहाँ पर 50 लगाई थी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, तो हो सकता है पोटेंशियल मिल सकता है, इसलिए मैंने इफ्तिकार को एज ए कैप्टन सेलेक्ट किया। यदि आप मोहम्मद वसीम की जगह रिप्लेसमेंट चाहते हो तो आपके लिए बाबर आजम हो सकती है, बंदा अच्छा खेलने वाला है। वाइस कैप्टन की बात करें, कोनवे, केन विलियमसन, मिचेल सैडन, ट्रेंट बोल्ट, बाबर आजम, नवाज, साइन अफरीदी, हरीश रूप। मैंने शताब खान को पिक नहीं किया भाई, यदि आप पिक करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं पिक कर रहा हूँ एज ए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ठीक है। यहाँ पे देखो वाइस कैप्टन आपके लिए मैंने सेफ डाल दिए, कोनवे सेफ है, तो देखो वीसी आपके लिए हाई सिलेक्शन है, आप जा सकते हो। बोल्ट का रिकॉर्ड अच्छा है, कोनवे क्या है, डेली कोनवे का अच्छा है, तो आप जा सकते हो मेरी मानो तो, ठीक है। लेकिन देखो मैं तो कैलकुलेटिव रिस्क लेता हूँ, मेरी ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहने वाले हैं, तो टीम सऊदी हरीश रूप रहेंगे बॉलिंग सेक्शन में से, और बैटिंग सेक्शन में रहेंगे मेरे हिसाब से केन विलियमसन और बाबर आजम, बस 2 या 4 ही बंदे और कोई नहीं है। और क्रेडिट रेंज की बात कर लेते हैं, और टीम पार्टीशन 6-5 और 5-6, जो टीम पहले बैटिंग करे उसके 6 प्ले ले लो, और जो टीम सेकंड बॉलिंग करे सेकंड बैटिंग करे उसके 5 प्ले ले लो, सिंपल सा लॉजिक है, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। कॉम्बिनेशन 2-3-2-4 70% चांस है, 1-3-2-5 30% चांस है, आप दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में जा सकते हो। अब देखो मैंने कहा था कि किस बैट्समैन को कौन से दिक्कत कर सकते हैं, तो फिन एलर में दिक्कत है राइट लेफ्ट आर्म मीडियम से और राइट आर्म फास्ट से, तो पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं साइन अफरीदी और आपके नसीम शाह, तो दोनों के पास थे, नसीम शाह राइट आर्म फास्ट है और लेफ्ट आर्म मीडियम साइन अफरीदी है, और फिन एलन को दिक्कत भी है, लेकिन फिन एलन क्या है मतलब कि हार्ड हिटिंग जाना जाता है, जैसे हरीश है ना पाकिस्तान के पास में, ऐसे फिन एलन है, तो आप दोनों में से एक को पिक करो और दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या करो विकेट कीपर सेक्शन में एक हाई सिलेक्शन प्लेयर पिक कर लो, और बैटिंग सेक्शन में लो सिलेक्शन प्लेयर पिक कर लो। देखो मैं बता रहा हूँ कि देखो विकेट कीपर सेक्शन में सेफ प्लेयर पिक कर लो, और बैटिंग सेक्शन में से एक रिस्की प्लेयर को पिक करना है, आपके डी मिचेल हो सकते हैं, और ऑलराउंडर सेक्शन में आपके मोहम्मद नवाज गेम चेंजर बनने वाले हैं भैया, ठीक है। बात ध्यान से सुनो, मोहम्मद नवाज अच्छा नाम है और क्लब के मैच में कुछ करने वाले हैं बंदा, ठीक है ना। अब बॉलिंग सेक्शन मैच कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, टीम सऊदी तो उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से अच्छा खासा है, 71 का है, लेकिन लॉकी फर्गुसन, इस सोडी, हरीश रूप, भाई 3 प्लेयर है बहुत है, ये 5 प्लेयर है ना गेम चेंजर बन सकते हैं। यदि पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप बाबर आजम कैप्टन, वाइस कैप्टन मोहम्मद नवाज को बना सकते हो, सबसे बेस्ट पिक हो सकते हैं सीवीसी के लिए। यदि आपकी न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो केन विलियमसन कैप्टन, वाइस कैप्टन मिचेल सैडनर, केन विलियमसन कैप्टन, वाइस कैप्टन इस सोडी को बना सकते हो, या फिर टीम सऊदी को बना सकते हो, ये चारों बेस्ट पिक है। मैंने सिचुएशन बता दी है, बैटिंग फर्स्ट कौन करती है, बैटिंग और अदर दूसरी, मैंने दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। अब हम टीम क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ टीम, अपन को नंबर ऑफ टीम चाहिए, 11 टीम बहुत है भाई। और मैं कह रहा हूँ कल के मैच में आप सीबीसी है ना एक ही टीम से बनाना, देखो ये सीबीसी आप बना सकते हो, मतलब ये कैप्टन वाइस कैप्टन है ना, बॉलर को सीबीसी बना सकते हो डिफरेंट टीम से, लेकिन बैटिंग या ये कॉम्बिनेशन ना इफ्तिकार अहमद कैप्टन, वाइस कैप्टन हरीश रूप, ये अच्छा है। बताऊँ क्यों कारण बताऊँ, देखो भाई ये टीम अच्छी है, इस टीम के साथ में आप जा सकते हो, क्यों जा सकते हो मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो हरीश रूप भी वाइस कैप्टन है, तो यहाँ पे देखो ट्रेंट बोल्ट ओपनिंग बॉलर है, तो पाकिस्तानी ओपनर दोनों ड्रॉप है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, तो ट्रेंट बोल्ट विकेट लेंगे तो अपनी टीम रोक कर जाएगी। तो देखो
इसमें देखो, इसमें भी ट्रेंट बोल्ट वाइस कैप्टन है, इसके अंदर पाकिस्तान के दोनों ओपनर ड्रॉप है, तो ये टीम भी अच्छी कर सकती है। इसके अंदर देखो, इसमें यहाँ पर ना नसीम शाह की जगह है ना मतलब न्यूजीलैंड के लोकी फर्गुसन को पिक कर लो, और यहाँ पे देखो बाबर आजम ओपनर है, तो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट बाहर हो चुके हैं, ठीक है ना। ये देखो मैंने जो बताया था ना, केन विलियमसन कैप्टन, वाइस कैप्टन सेटनर, ये टीम आप बना सकते हो। फिलिप्स को आप मतलब ड्रीम टीम में आप मतलब टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना मेरी मानो तो। शादाब खान को, ग्लेन फिलिप्स को है ना, इनको और शाहीन अफरीदी को इन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, ये टीम खराब हो जाएगी भैया, ठीक है। और यदि कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हैं ना क्लेश, मतलब कि ये हाई सिलेक्शन परसेंटेज है, और हाई सिलेक्शन को मैं कभी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई नहीं करता, क्योंकि ये लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दिखा के हाई सिलेक्शन बनते हैं ना भाई। हम पता देखो शादाब खान ना, जब उनका सिलेक्शन परसेंटेज 29% था, तब मैंने कहा था कि कैप्टन बनने वाले हैं, और उस दिन वो कैप्टन बने थे, और आज उनका कैप्टन परसेंटेज देखो भाई सबसे टॉप में। ग्लेन फिलिप्स की मैंने कहा था अगेंस्ट श्रीलंका 2% कैप्टन सिलेक्शन था, आज के मैच में देखो भाई क्या हाई सिलेक्शन परसेंटेज है। तो आज के मैच में भी है ना पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज और उनकी न्यूजीलैंड की तरफ से टीम साउदी लोकी फर्गुसन केन विलियमसन गेम चेंजर हो सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ऐसा का ऐसा रिकॉर्ड कल के मैच में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैच में आने वाला है, और एडिलेड में होने वाला मैच है, वो कल की बात है, कल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।